नमस्कार साथियों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं और नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। हम इन विधानसभा चुनावों के बारे में बात करें उससे पहले हम 2014 के विधानसभा चुनावों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी ने 2014 में चुनावों से पहले अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए थे और 5 साल सत्ता में रहने के बाद उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए और उनके कितने वादे अभी भी अधूरे हैं। मैनिफेस्टो वो वादे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले जनता के साथ करती हैं और जनता उन्हीं वादों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को वोट देती है। मैनिफेस्टो के जरिए राजनीतिक पार्टियों को वोट मिलती हैं और जनता को अक्सर धोखा मिलता है, क्योंकि अधिकतर केसों में राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद राजनीतिक पार्टियां उन वादों को भूल जाती हैं और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। एक जागरूक वोटर वो होता है जो अपना अधिकार भी जानता हो और अपनी जिम्मेदारी भी जानता हो। वोट देना एक वोटर का अधिकार है। उसके वोट देने के बाद जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, वो राजनीतिक पार्टी अपने कितने वादों को पूरा करती है और उसके कितने वादे अधूरे रह जाते हैं, इस बात की जांच करना और उस जांच के नतीजों को सामूहिक तौर पे जनता के साथ साझा करना, यह वोटर की जिम्मेदारी है। तो आज हम बात करेंगे कि बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में हरियाणा की जनता के साथ खेती किसानी, शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्या क्या वादे किए थे और इन 5 सालों में कितने वादे पूरे किए और कितने वादे उनके अभी भी अधूरे हैं। अगर बात की जाए खेती किसानी के क्षेत्र की, तो बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की बात को दूर, जितने समय के लिए गांवों को पहले की सरकारों के समय में बिजली मिलती थी, उस समय में भी इन 5 सालों में कटौती कर दी गई। बीजेपी ने 2014 में कहा था कि वो हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी की समीक्षा करेंगे, लेकिन इन 5 सालों में हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में कोई व्यापक सुधार नहीं किए गए। बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों की लागत मूल्य में 50% जोड़ के MSP देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो किसानों को उनकी फसलों की लागत मूल्य में 50% जोड़ के MSP नहीं दे सकते हैं, यानी बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा के छोटे किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, सतलुज यमुना लिंक कैनाल को शुरू करेंगे और हरियाणा में बड़े पैमाने पे कोल्ड स्टोरेज शुरू करेंगे, लेकिन बीजेपी के ये सभी वादे अधूरे ही रह गए। अगर बात की जाए रोजगार के क्षेत्र की, तो बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा के सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन उन कर्मचारियों को पक्का करने की बात को दूर, जो नई भर्तियां हरियाणा में इन 5 सालों में की गई, उन नई भर्तियों में से अधिकतर भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियां ही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर खोलने की बात कही थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर कई जिलों में खोले गए। सिर्फ 10 जिलों में इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स में 15,21,847 युवाओं ने अपने नाम दर्ज कराए और 4 सालों में सिर्फ 647 युवाओं को ही रोजगार मिला, और इन 647 में से 28 युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोजगार मिला और 128 युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार मिला। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो हरियाणा में 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपये प्रति महीना देंगे और ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपये प्रति महीना देंगे, लेकिन बीजेपी के ये सभी दावे खोखले साबित हुए। अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र की, तो बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा में शिक्षा के सत्र को सुधारेंगे और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। 2018 में NAS ने एक डाटा रिलीज किया, उस डाटा के अनुसार हरियाणा में शिक्षा का सत्र अन्य राज्यों के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। बीजेपी ने 2014 में कहा था कि वो हरियाणा में 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हरियाणा की बात तो दूर, अगर हम पूरे देश की बात करें तो
तो इस समय पूरे देश में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो। इसके अलावा बीजेपी ने 2014 में कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो हरियाणा में गर्ल स्टूडेंट्स को फ्री बस सेवा मुहैया कराएंगे। बीजेपी ने 2016 में अपना ये वादा पूरा किया और उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने यह ऐलान किया था कि हरियाणा में गर्ल स्टूडेंट्स को सभी बसों में फ्री सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की, तो बीजेपी ने 2014 में ये वादा किया था कि वो हरियाणा में 2 नेशनल लेवल के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को शुरू करेंगे। बीजेपी ने अपना ये वादा लगभग पूरा किया और झज्जर में एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को शुरू किया और 2019 के बजट में रेवाड़ी में एक एम्स जैसा संस्थान खोलने के लिए जरूरी धनराशि आवंटित की गई। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो हरियाणा की शराब नीति की समीक्षा करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि लोगों की सेहत पे कोई भी नेगेटिव असर ना पड़े। हरियाणा ने इन 5 सालों में किसी भी अन्य चीज में ग्रोथ की हो या ना की हो, लेकिन एक मामले में जरूर ग्रोथ की है और वो है शराब के नए ठेके खोलने के मामले में। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 500 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। आप हरियाणा के स्टेट और नेशनल हाईवेज पर जाइए, आपको रोड के ऊपर ही शराब की दुकानें दिखेंगी। तो ये काम हरियाणा की सरकार ने हेल्थ के मामले में किया। तो साथियों, हमने आपको बताया कि 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हेल्थ, शिक्षा, रोजगार व खेती किसानी के मामले में क्या क्या वादे किए थे और अब तक कितने वादे उन्होंने पूरे किए और उनके कितने वादे अभी भी अधूरे हैं।